यार तुम बड़ी डेंजरस हो ना सेक्सी में. चौधरी प्रियंका चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म द स्काई इज पिंक का ट्रेलर रिलीज हो गया. फिल्म में प्रियंका के साथ फरहान अख्तर, रोहित शरफ लीड रोल में है, लेकिन फिल्म में नजर आ रही जायरा वसीम को देखकर फैंस खुश होने की बजाय काफी नाराज नजर आ रहे हैं. आपको बता दें काफी लंबे गैप के बाद प्रियंका इस फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक कर रही है. सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक डांस वीडियो शेयर किया है. वीडियो में सारा अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ के गाने स्वीट हार्ट पर डांस के जलवे बिखेर रही है. वैसे तो ये वीडियो स्वीट हार्ट गाने की रिहर्सल का है, लेकिन सारा ने इस वीडियो को हाल ही में पोस्ट किया. बॉलीवुड में अपने डांस से धमाल मचाने वाली नोरा फतेही का पेपेटा सॉन्ग रिलीज हो गया. इस गाने ने रिलीज के साथ ही धमाल मचा दिया. वीडियो में नोरा फतेही का यूनिक डांसिंग स्टाइल देखने को मिल रहा है. वीडियो में कैरेबियन म्यूजिक का तड़का डाला गया है. एक साल से न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहे ऋषि कपूर अमेरिका से वापस मुंबई लौट आए हैं. ऋषि कपूर को मुंबई एयरपोर्ट पर नीतू कपूर के साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान उनके चेहरे पर इंडिया लौटने की खुशी साफ झलक रही थी. ऋषि कपूर ने ट्वीट कर लिखा, घर वापस आ गया हूँ, 11 महीने 11 दिन, सभी का शुक्रिया. आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल फिल्म में पूजा नाम की लड़की का रोल प्ले करते नजर आएंगे, जिसका प्रमोशन संजय दत्त अलग तरीके से करते नजर आए. एक वीडियो एकता कपूर ने शेयर किया है, जिसमें संजय किसी लड़की से फोन पर चोरी छिपे प्यार का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं. संजू बाबा कैसी हो? अच्छा ये बताओ कब मिल रही हो? 13 तारीख. 13 तारीख डन पक्का ना? कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, बंद कर. ओके पूजा.